वेलकम बैक ओल्ड बुक हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक इन ओल्ड बुक है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम्स एंड इन दिस चैप्टर्स वी आर डिस्कस मोलस्का फाइलम ऑफ मोलस्का एंड काइनोडर्मेटा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मोलस्का ओके फाइलम मोलस्का सो इन दिस फाइलम एनिमल terrestrial animals and aquatic organ level organization okay or bilaterally symmetrical and diploblastic and stromate phyla that mean is terrestrial mean ki ye land pe rehte hain dusri baat aquatic bhi hote hain aur organ jo level system hai wo kaisa hota hai organizes organized hota hai ek aur jo bilaterally symmetrical hote hain bilaterally symmetrical होते हैं diploblastic diploblastic they have three type of layer in body and stromates होते हैं इसके अंदर cavity पाई जाती है एक जिसके अंदर liquid भरा होता है जो कि क्या करता है उसके लिए flexibility provide करता है animal के लिए next body divided into head muscular foot होते हैं एंड विसरल हम होते हैं विसरल हम मतलब इसमें कुबड़ जैसा निकला होता है और अनसेगमेंटेड होती है बॉडी की होती है अनसेगमेंटेड होती है जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड कवर्ड विद कैलकेरियस सेल मतलब कैलकेरियस सेल से क्या होता है ढका होता है यानी कैल्शियम का एक क्या होता है होल होता है कैल्शियम का एक होल होता है जिससे ये एनिमल की बॉडी ढकी होती है जिससे कि इसके जो आपके जो ऑर्गन्स हैं एनिमल के वो क्या होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं नेक्स्ट है फीडर्स लाइक गिल्स जो गिल्स होते हैं फीडर्स लाइक होते हैं आर प्रेजेंस बिटवीन हम एंड मेंटल्स मतलब कूवर और मेंटल्स के बीच में क्या होते हैं आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पाइन ऑर्गन्स फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला ठीक है रेडुला टर्म बहुत पूछता है कि रेडुला रेडुला जो टर्म है वो किस में यूज होता है कहां है तो आपको पता ना हो मोलस्का में ओके इसका एग्जांपल पाइला और ऑक्टोपस अब ऑक्टोपस और पाइला आप समझ गए होंगे देखते कि पाइला जैसे घोंगा जिसे बोलते हैं उसके ऊपर का एरिया कैसा होता है बहुत ज्यादा कहते हैं हार्ड होता है वो किसका बना होता है आपका कैल्केरियस कैल्शियम का बना होता है जिसके ऊपर की खोल होता है कवर होता है वो कैल्शियम का बना होता है और अंदर जो इसके एनिमल होता है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है दूसरी बात पाइला ये है और ऑक्टोपस भी आप लोगों ने देखा है वाटर में होता है समुद्र में पाया जाता है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है नेक्स्ट हम चलते हैं अब पाइला और काइनोडर्मेटा काइनोडर्मेटा में एनिमल क्या होते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल होते हैं मतलब जो नुकीले होते हैं काफी कांटेदार होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे स्टारफिश स्टारफिश जो है किस प्रकार का इसका एक जो स्ट्रक्चर है बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है किस प्रकार का वो दिख रहा है देखते हैं एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स ठीक है ऑसिकल्स दैट मीन कि इनकी बॉडी बॉडी जो है कैल्केरियस यानी वही कैल्शियम कैल्शियम जो है उसकी बनी हुई होती है उसकी बॉडी बनी हुई रहती है एस्कोस्केलेटन एंडोस्केलेटन की बात कर रहे हैं ना कि एस्को इसमें क्या है एंडोस्केलेटन जो होगा वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का होगा मैराइन होते हैं ठीक है ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चले अपने क्योंकि अपने हैंड राइटिंग के नोट्स की बात और ही होती है वो अच्छे से समझ में आते हैं मैराइन होते हैं विद आपके ऑर्गन सिस्टम इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ठीक है डिप्लोब्लास्टिक होता है और स्लोमेट्स होते हैं स्लोमेट्स पाई जाती है इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें क्या है वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है एक और हमने इससे पढ़ा था पहला या दूसरा है जब फाइलम पढ़ रहे थे तो हमने एक पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम से पाया जाता है आपको पता होगा तो ये उसे डिफरेंट है लेकिन हमें वाटर से याद आया कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम था उसमें वाटर कैनाल सिस्टम था ओके कैनाल सिस्टम था उसके बाद हेल्प इन लोकोमोशन ये इसका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है क्या करता है हेल्प करता है लोकोमोशन में इसको चलने में मूवमेंट करने में हेल्प करता है कैप्चर फूड और क्या करता है फूड कैप्चरिंग करने में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ओके दैट इज क्लियर नेक्स्ट इज सेक्स आर सेपरेट क्या है सेक्स आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन कैसा है एक्सटर्नल है मतलब आउट ऑफ द बॉडी होगा
ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दे हैव फाउंड इन लार्वल स्टेज दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, तो पहला क्या है, स्टारफिश हो गया, फिर सी क्यूकम्बर और फिर आपका एंटीडॉन दैट मीन सी लिली। ओके, तो ये एग्जाम्पल है स्टारफिश का, मैंने डायग्राम बनाया है, आप नेट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे इसके और इसके जो एग्जाम्पल है, बट आपके जो कोर्स में है ये है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन रहता है जो आपको समझ में नहीं आया, इस कमेंट बॉक्स में मुझे करें कमेंट, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।